कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार और जिला प्रशासन के बैनर तले दो दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन शुक्रवार को बरारी स्थित जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डीडीसी कुमार अनुराग, अपर समाहर्ता और सदर एसटीओ समेत कई पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। युवा उत्सव में समूह लोक नृत्य, समूह लोक गीत, एकांकी नाटक, कथक नृत्य, भरतनाट्यम, शास्त्रीय गायन, तबला वादक, गिटार वादन, बांसुरी वादन, वीणा वादन, सितार वादन, हारमोनियम, चाक्षुष कला समेत 18 विधाओं के दर्जनों प्रतिभागी कलाकारों ने हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले के कई स्कूलों और संस्थानों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अलग अलग विधा में पार्टिसिपेट किया, जबकि यहाँ भाग लेने वाले प्रतिभागियों की उम्र सीमा 15 से 35 वर्ष तय की गई है। वहीं इसको लेकर आयोजन समिति के द्वारा बताया गया कि प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जबकि इस तरह के आयोजन से युवाओं और छात्र छात्राओं को अपनी कला को निखारने एवं प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। युवा विभाग द्वारा एक भागलपुर जिला युवा उत्सव का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके संयोजक जिला प्रशासन है, और इसमें 16 तरह के आर्ट्स बेस्ड कॉम्पिटिशन होंगे, जिसमें फोटोग्राफी है, डांसिंग है, सिंगिंग है, एलोक्यूशन है, इस तरह के सभी कॉन्टेस्ट हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कॉम्पिटिशन है। इसमें जो लोग भी उत्तीर्ण होंगे उन्हें स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। साथ ही ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है हमारे जिला के युवाओं के लिए, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करके अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सकते हैं वो, और साथ ही में उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो कल होकर के स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर सकें। पिरपैती में हुए सड़क हादसे के दौरान मिनी हाईवा पलटने से उसके नीचे आकर दबने से हाईवा के खलासी की मौत हो गई। दरअसल NH-80 मैनी नाला पकड़िया के पास छाई लोड कर भागलपुर की ओर जा रही मिनी हाईवा अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया, जिससे दबकर खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक खलासी की पहचान सलीमपुर निवासी स्वर्गीय रुदल यादव के 18 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार के रूप में हुई है। इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि खलासी हाईवा में दब गया था, जिसके बाद उसे सीवी से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही पिरपैती थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक खलासी दो भाई थे। बिहार नगर निकाय चुनाव के चुनाव आयोग द्वारा तिथि घोषित किए जाने के बाद भागलपुर के अलग अलग नगर निकाय क्षेत्र में सरगर्मियां तेज हो गई है। एक ओर जहां चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आसमाने उतरे अलग अलग वार्ड के प्रत्याशी अपनी दावेदारी के लिए जनसंपर्क में लगे हुए हैं, वहीं महापौर और उप महापौर पद के प्रत्याशी भी पूरे जोश के साथ जनसंपर्क में लग गए हैं। बता दें कि नगर निकाय चुनाव 2022 में भागलपुर नगर निगम को अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जिस पर महापौर पद के लिए पूर्व महापौर सीमा शाह, खुशबू कुमारी, डॉक्टर वसुंधरा लाल, श्वेता प्रदर्शनी, सविता देवी, गजाला परवीन समेत कुल 9 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रही है। वहीं उप महापौर पद के लिए चुनावी मैदान में भी 10 उम्मीदवार मजबूती से डटे हुए हैं। नगर चुनाव में पार्षद पद के लिए कुल 216 प्रत्याशी ने नामांकन कराया था, जिसे पूर्व में ही चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है, जबकि चुनाव स्थगित करने के बाद दोबारा तिथि की घोषणा के साथ ही मतदाताओं के बीच भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि देखना यह है कि सह और मात की चुनावी लड़ाई में किसका पल्ला भारी रहता है और कौन फिसड्डी साबित होता है। Thank you.
पुलिस जिला नवगछिया के खरीक प्रखंड अंतर्गत राघोपुर के समीप अलारपुर शंकरपुर गांव में भीषण आग लग जाने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं इसके बाद आनन फानन में ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग काफी तेजी से फैल गई। इसके बाद अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा दी गई, जिसके बाद गांव पहुंची फायर ब्रिगेड के 3 वाहनों से आग पर काबू पाने का प्रयास तेज किया गया, लेकिन तब तक गांव के दर्जनों घर खलिहान समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि इस आगजनी की घटना में कई पशु भी जलकर मौत की नींद सो गए, जबकि फूस और पुआल का घर होने के कारण तेजी से फैली आग ने कितने घरों और ग्रामीणों को बेसहारा कर खुले आसमान के नीचे आने पर मजबूर कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आग लगने के बाद कई घर में रखा गया रसोई गैस का सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद हालात और भी बिगड़ गए। बहरहाल इस घटना के बाद से गांव में मायूसी छा गई है और लोग प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। अक्सर आपने लोगों को अपनी बीमारी के इलाज को लेकर देश विदेश का रुख करते हुए सुना होगा, लेकिन छोटे शहरों में भी ऐसे अस्पताल हैं जहां अफ्रीका महादेश के लोग अपनी बीमारी के इलाज के लिए आंध्र प्रदेश के भागलपुर का रुख कर रहे हैं। दरअसल अफ्रीका के गाविया जैसे छोटे से देश के रहने वाले लेमिन टोरे का इलाज भागलपुर के ततारपुर स्थित डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान के क्लिनिक में क्लब फूट बीमारी का इलाज पिछले 1 महीने से चल रहा है। वहीं बीमारी को लेकर डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने बताया कि लेमिन को यह गंभीर समस्या बचपन से ही है और क्लब फूट बीमारी में आमतौर पर पैर टेढ़ा होने के कारण मरीज को चलने में समस्या होती है। डॉक्टर ने बताया कि गाम्बिया एक गरीब देश है और वहाँ भुखमरी की स्थिति है। उन्होंने बताया कि ऐसे में इस तरह की बीमारी का इलाज दूसरे देशों में काफ़ी महंगा होता है। डॉक्टर ने बताया कि दूसरे देशों में इसका इलाज में लाखों रुपये खर्च होते हैं, जबकि भागलपुर में उसे इसके इलाज में महज 25,000 रुपये ही खर्च करने पड़े। हालांकि पीड़ित लेमिन कई यूरोपियन देशों में अपने इलाज के लिए गए, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी, जबकि लंदन में नर्स के तौर पर कार्यरत उनकी बहन ने यूट्यूब के माध्यम से उसे भागलपुर के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान के बारे में बताया, जहां 1 महीने के इलाज के बाद ही लेमिन का पैर सीधा होता दिख रहा है। साथ ही डॉक्टर ने उसे जल्द ही खुद के पैरों पर चलने का आश्वासन भी दिया है। इसको पैदाइशी तौर से क्लब फुट है, टेढ़ा पैर है, ठीक है, 3rd डिग्री का है, मोड डिग्री होती है इसमें, जिसमें आदमी पंजे पर चल रहा है सिर्फ, ठीक है। वो मेरे पास इसलिए इलाज के लिए आए कि उसको लंदन में और सब यूरोपियन कंट्रीज़ में इनकार कर दिया कि नहीं ऑपरेशन कर सकते। गाम्बिया एक इंतहाई गरीब देश में से है जहाँ पैसे नहीं, इनके पासपोर्ट तक पर लिखा हुआ है कि ये इंतहाई गरीब देश है। तो उनकी सिस्टर जो है वहाँ पर लंदन में है, नर्स हैं, तो उन्होंने बातचीत किया यूट्यूब के माध्यम से और सब कुछ करके भी यहाँ पर आए। इनका 1 स्टेज की सर्जरी हमने किया है और आज हमको लगता है 1 महीना होने जा रहा है। अच्छा है, फाइन, ठीक है। तो सिर्फ इकोनॉमी एक फैक्टर नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ ऐसी है। हम लोगों का जो अपना टेक्निक है, ये है वो है, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव यानी सस्ता भी है। तो अगले को ये तो लगा ही होगा कि साहब सस्ता है, जोड़ जाड़ के भी सस्ता पड़ रहा है, तो आया नहीं। वो कहाँ गाम्बिया से टर्की आया, टर्की से दिल्ली, दिल्ली से यह देवघर आया, देवघर से फिर हमने उसको लिफ्ट करके यहाँ लाया। इसका मतलब है कि मिला जुला के जितना खर्चा हम लोग क्या होने जा रहा है, वो उनके और यूरोपियन कंट्री के खर्चे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है।